हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाएं पर चर्चा जारी रखेंगे। तो चलिए देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कृषि और उसकी मुख्य प्रणालियों के बारे में जानेंगे और हम इस वीडियो में खनन के बारे में जानेंगे, यानी कि माइनिंग। तो बच्चों, कृषि के मुख्य प्रणालियों में हम सबसे पहले मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में जानेंगे, फिर हम डेयरी कृषि यानी कि डेयरी फार्मिंग के बारे में जानेंगे, फिर हम भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि यानी कि मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में जानेंगे, फिर कलेक्टिव फार्मिंग यानी कि सामूहिक कृषि के बारे में हम जानेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मिश्रित कृषि के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस तरह के कृषि का अभ्यास जो है वह अत्यधिक विकसित भागों में किया जाता है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिण महाद्वीप के पास जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों का अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, अब तक जितने भी कृषि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि या तो उन्हें छोटे खेतों पर अभ्यास किया जाता था या तो बड़े खेतों पर अभ्यास किया जाता था, मगर मिश्रित कृषि जो है उसमें खेतों का आकार मध्यम होता है यानी कि बीच का होता है। बच्चों, इस प्रकार के कृषि में बहुत तरह के फसल बोए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे आदि। लेकिन इन सारे चीज़ों में जो चारा होता है, जो भी फोडर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वह इस तरह के कृषि में एक मुख्य फसल होता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, जैसे इसमें मवेशी, भेड़, सुअर और कुकुर जैसे पशुओं को पाला जाता है। तो बच्चों, मिश्रित कृषि में पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों पर ही बराबर महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों से एक आमदनी का मुख्य स्रोत बना रहता है। बच्चों, इसके अलावा इसमें अनेकों व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक और वनस्पति खाद यानी कि हरी खाद का उपयोग, और इसके अलावा इसमें अधिक पूंजी भी खर्च होती है। और कृषकों की जो कुशलता और योग्यता होती है, यह मिश्रित कृषि की एक मुख्य विशेषता है। तो बच्चों, इस नक्शा में अब हम देखेंगे कि मिश्रित कृषि का अभ्यास विश्व के किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भाग है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है जहाँ पर काले काले धब्बे बने हुए हैं, उसके अलावा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में भी इसका अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, अब हम डेयरी कृषि यानी कि डेयरी फार्मिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें दुधारू पशु जितने भी होते हैं उनका पशुपालन किया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी भी लगती है। व्यवस्था करने की बात अगर करें तो इसमें पशुओं के लिए छप्पर, उनके खाने का जो चारा, जो भी घास फूस होता है उनको रखने के लिए एक भंडार बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा दूध उत्पादन में जितने भी यंत्रों की ज़रूरत होती है उन सभी के लिए भी पूंजी अधिक लगती है। बच्चों, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और जो भी पशु चिकित्सा होती है उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसके अलावा इसमें जो श्रम होता है, जो भी मेहनत होता है, उसकी ज़रूरत पूरे साल के लिए होती है, जैसे कि पशुओं को चराने, दूध निकालने और जितने भी कार्य होते हैं ये सारे वर्ष भर होते हैं, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जहाँ पर किसानों की ज़रूरत ना हो। बच्चों, ये जो डेयरी कृषि होता है इसका अभ्यास नगरीय क्षेत्रों के नज़दीक किया जाता है, और इसका कारण यह है कि ये सारे जो क्षेत्र होते हैं ये ताज़ा दूध और जो भी डेयरी के और भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी उत्पाद और भी अलग होता है, उसके लिए नगरीय क्षेत्र एक अच्छा बाज़ार होते हैं। और अभी के समय में यातायात के साधन विकसित हो जाने के कारण और फ्रिज के इस्तेमाल के कारण यानी कि प्रसिद्धकों के इस्तेमाल के कारण अब जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी दूध आदि के सामान होते हैं, उसे अधिक समय तक रखा जा सकता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि डेयरी कृषि विश्व के किन किन क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका अभ्यास विश्व के विकसित क्षेत्रों में किया जाता है, और इसके कुल तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, उसके बाद कनाडा, और तीसरा जो है वह न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर डेयरी कृषि का मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, अब हम भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये एक अनोखा तरह का कृषि है, और इसका विस्तार भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी जो है उस वाले क्षेत्रों में है, जैसे कि ये दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। उसी तरह दक्षिणी कैलिफोर्निया,
चिली का जो मध्य वाला भाग है, बीच का भाग, उसी तरह दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग अफ्रीका का ही। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग जो है, उन सारी जगहों पर भी ये फैला हुआ है। अगर हम ये बात करें कि इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, तो इसका कारण यह है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि अंगूर हुआ या नींबू हुआ, उन सारी चीज़ों की यह आपूर्ति करता है। तो बच्चों, यदि हम बात करें कि इस तरह के कृषि में किस फसल को मुख्य रूप से उपजाया जाता है, तो वह अंगूर है। इसे अंग्रेजी में विटीकल्चर भी बोलते हैं, यानी कि अंगूर की कृषि। इन सारे क्षेत्रों में जितने भी अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं, उससे मदिरा यानी कि शराब बनाया जाता है, और जो भी निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं, उसे सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है। बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर अंजीर और जैतून का भी उत्पादन होता है। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य सागर के क्षेत्र में ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडा, तो इसके कारण यहाँ पे उत्पादन जो है यह पूरे साल होता है। और जब कभी भी ठंड ऋतु में यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है, तो इसी क्षेत्र से वहाँ की पूर्ति की जाती है। तो बच्चों, अब हम बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि यानी कि मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसका जो अभ्यास होता है यह विकसित प्रदेशों में किया जाता है, और इस प्रकार के कृषि में अधिक मुद्रा वाले जितने भी फसल होते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल और फूल जो होते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, उसे उपजाया जाता है। इस तरह के कृषि में खेतों का जो आकार होता है वह कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है, और इन सारे खेतों को अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से जोड़ के रखा जाता है, जिससे यहाँ के जो भी सामान हो उसे वहाँ तक यानी कि नगरीय क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके, ताकि वहाँ पर बाजार में उसे बेचा जा सके। और इसका कारण यह है कि नगरीय क्षेत्रों में ऊंची आय वाले उपभोक्ता यानी कि वैसे लोग रहते हैं जो थोड़ी अमीर हैं, और जो कुछ भी फसल होता है उसे वह खरीद सकते हैं। इस तरह के कृषि में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत होती है। और इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था बात होती है, जैसे कि सिंचाई, उर्वरक यानी कि खाद, फिर उसके बाद अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह, और सी क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। इस तरह की कृषि का अभ्यास उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भूमध्य सागरीय प्रदेश जितने भी है वहाँ पर इसका अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, इससे आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह की कृषि का अभ्यास विकसित प्रदेशों में ही किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा नीदरलैंड जो है, जिसे होलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वह देश फूलों को उपजाने में एक विशिष्टीकरण रखता है। इन सारे देशों में बागवानी फसल, विशेषकर ट्यूलिप जो कि एक प्रकार का फूल है, उसे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार बच्चों, जिन प्रदेशों में सिर्फ सब्जियों की पैदावार होती है, उसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ट्रक कृषि नाम देने का कारण यह है कि जो भी पैदावार गांव के खेतों में होता है, उसे शहर के बाजार तक एक रात में ही भेज दिया जाता है, और यही कारण है कि इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। तो बच्चों, अब हम सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है, जब भी किसान अधिक लाभ कमा लेता अपनी खेती से, तो यदि वो अपने मन से एक सहकारी संगठन बनाता है और उस पर कृषि का काम करता है यानी कि खेती का काम करता है, तो उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। जितने भी लोग सहकारी संस्था के भाग होते हैं, उनका खेत वैसा का वैसा ही रहता है, और वो लोग जितने भी पैसे जुटाते हैं, जितने भी संसाधन का उपाय कर पाते हैं, उससे वह सहकारी रूप से कृषि करते हैं। सहकारी कृषि करने के कारण किसानों को बहुत तरीके के फायदे होते हैं, जैसे कि जितने भी चीज़ें वो चाहते हैं कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, उनका उपाय किया जा सकता है। जो भी कृषि उत्पाद होते हैं, जो भी उसका उपज होती है उन सारे खेतों की, उसे एक उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें कुछ कमाई हो, उन्हें कुछ प्रॉफिट मिले। उसके अलावा जो भी उत्पाद होते हैं, उसे एक कम दर पर किया जा सकता है। सहकारी आंदोलन जो है वह लगभग 100 साल से पहले ही प्रारंभ हुआ था, और इसे पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे देशों में अभ्यास किया जाता है। और यदि हम देखें तो डेनमार्क देश में यह सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रहा है, और इसी कारण से अब डेनमार्क में जितने भी कृषि हैं वह इसका एक सदस्य हैं। तो बच्चों, अब हम सामूहिक कृषि यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस तरह की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि जितने भी खेत होते हैं वहाँ पर सारे किसान मिलकर काम करते हैं, और यही कारण है कि यह कृषि सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। बच्चों, सामूहिक कृषि सोवियत संघ से शुरू हुआ था, जहाँ पर इसे खेती की दशा सुधारने के लिए लाया गया था, और उसके अलावा वहाँ का उत्पाद भी बढ़ाने के लिए लाया गया था, ताकि इससे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता था। बच्चों, इस तरह के कृषि में जितने भी संसाधन होते थे, जैसे कि भूमि, पशुधन और किसानों की मेहनत
मेहनत से खेती किया जाता था। जितने भी किसान होते थे वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान को पूरी करने के लिए, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा खेत अपने लिए भी रखते थे अपने अधिकार में, जिस पे वह उपजाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ की जो भी सरकार होती थी वह हर वर्ष एक लक्ष्य निर्धारित कर देते थे। उदाहरण के लिए सरकार ने बोल दिया कि इस बार 100 किलो आलू का उपज करना होगा, और वहाँ की सरकार साथ में एक निर्धारित मूल्य भी बता देती थी कि जैसे कि आलू को हम 10 रुपए किलो खरीदेंगे। बच्चों, यदि लक्ष्य से ज़्यादा उत्पाद होता था तो उसे सारे किसानों में बांट दिया जाता था, या नहीं तो उसे बाजार में जाकर बेच दिया जाता था। जितने भी किसान होते थे वह जिन जिन मशीनों का प्रयोग कर कर कृषि करते थे, यानी कि खेती करते थे, उन्हें उनका एक भाड़ा, एक कर्ज चुकाना पड़ता था। बच्चों, जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा काम करते थे उन्हें या तो कुछ पैसा दे दिया जाता था, नहीं तो कुछ और सामान दे दिया जाता था। सोवियत संघ के टूटने के बाद इस प्रकार के कृषि में भी संशोधन कर दिया गया था। तो बच्चों, अब हम खनन यानी कि माइनिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले के समय में खनिजों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए किया जाता था, मगर जब से औद्योगिक क्रांति हुई यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, खनिजों का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। खनिजों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्पाद होने लगा। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों इसमें सबसे पहला आता है भौतिकी कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर खनिजों के आकार, श्रेणी और उसकी उपस्थिति की अवस्था आती है। और इसके बाद आता है आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें खनिजों की मांग, तकनीकी ज्ञान और उसका कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसके अलावा यातायात और श्रम पे कितने ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं। बच्चों, खनन के कुल दो प्रकार की विधि होती है, पहला धरातलीय खनन यानी कि सरफेस माइनिंग, और दूसरा है भूमिगत खनन यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग। बच्चों, सबसे पहले हम धरातलीय खनन यानी कि सरफेस माइनिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, धरातलीय खनन को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक यंत्र और बाकी जितने भी उपकरण होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है खनन के लिए, उन सारी चीज़ों पर खर्च नहीं होता है। और क्योंकि यह धरातलीय खनन है इसलिए इसमें उत्पादन शीघ्र और बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक होता है। बच्चों, अब हम भूमिगत खनन के बारे में जानेंगे। इसे कुपक खनन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में शाफ्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इसमें गहराई से खनिजों को निकाला जाता है, यानी कि जो भी भूमिगत गलियारे होते हैं उससे खनिजों तक पहुंचा जाता है और फिर खनिजों को खदान से धरती पर लाया जाता है। इस खनन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनके सुरक्षा यंत्रों पे पैसे खर्च होते हैं। उसके अलावा इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट का इस्तेमाल होता है और माल ढोने वाली गाड़ियाँ, इसके अलावा वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका बहुत ही जोखिम भरा है, जिसमें गैस, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो सकती है। बच्चों, आप सभी झरिया के कोयला खदान के बारे में जानते हैं, जहां पर एक बार दुर्घटना होने के कारण आज भी वहां पर आग लगा हुआ है। बच्चों, आज के समय में जितने भी विकसित अर्थव्यवस्था है वह इस खनन के कार्य से पीछे हट रही है, क्योंकि इसमें श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगर जितने भी विकासशील देश है वह अपनी श्रमिक शक्ति का इस्तेमाल कर खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कृषि और उसकी मुख्य प्रणालियों के बारे में और खनन के बारे में। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।